मन्नू के पिता ने, मानती हूँ कि उसकी परवरिश मेरी देखरेख में हो रही है, लेकिन सुखी के तो पिता है ना, तो फिर उसका बाप उसकी परवरिश ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा है बेबी? माना कि मेरा मन्नू दौड़ में हार गया, लेकिन मेरे बच्चे ने जी जान से कोशिश की, सुखी ने तो वो भी नहीं किया। बेबे रब भी सौ, मैं सुखी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, तो छोटा है, बच्चा है, कितना बोला है, लेकिन उसके बाप ने कभी जहमत नहीं उठाई कि उसे सही रास्ता दिखा। मन्नू और सुखी एक ही कक्षा में, क्यों बेबे? मन्नू ऊपर पेड़ तक चढ़ गया, कड़ा बांध दिया, लेकिन सुखी नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि सुखी कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बाप के सर पर इतना घमंड सवार है कि वो किसी को अपने आगे टिकने नहीं देता। अगर उसका बाप अपना घमंड तोड़कर और ये सब छोड़कर अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान देना, तो आज सुखी भी बहुत आगे हो जाएगा। तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी के हाथ में मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे सौंप दूं? हाँ मन्नू, आज हार गया, मेरी जिम्मेदारी, मैं उसकी माँ हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्या करना है, और मैं करूँगी, मैं जरूर इस बात का ध्यान रखूंगी कि आगे वो कभी ना हारे। बेबे वो नहीं हारेगा। क्या सोच रहा है? मैंने कितनी मेहनत की थी, मैं तो सबको कह दिया था कि मैं दौड़ में पहला नंबर आऊंगा। मैं तो शाम सबसे ऊपर खड़ा बांधा था मैंने, तो फिर मैं कैसे हार गया मम्मी? आ गया। मन्नू के हारने के चक्कर में आज मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। ओए बेबी भी कुछ नहीं कर पाई, हमें ही कुछ करना होगा। मैंने नहीं छोड़ना उसे। आप चिट्ठी लिखो जी। अब केड़ी चिट्ठी? और मैंने जो आज देखा उसके बारे में, मन्नू और सुखी के स्कूल में सिमी भी पढ़ती है, अब देखो जी आप। लिखो जी। दास की लिखना। प्रिंसिपल साहब, भीरू कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मनु तू क्लास में जा, तेरा वक्त हो गया। बाय मम्मी। क्या हो गया, ऐसा क्या बोला प्रिंसिपल साहब ने? उनको कोई चिट्ठी आई है, पता नहीं किसने चिट्ठी लिखी है, कहते हैं कि किसी लड़की के पिता ने लिखी है और कहा है कि मन्नू के मामा स्कूल में बैठे नहीं रह सकते। वीरू मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और उन्होंने कहा है अगर हमने बात नहीं मानी ना तो वो पंचायत जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है वीरू? तू मुस्कुरा रहा है या मेरी जान निकली जा रही है? अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना, तू
शांत हो जा पहले ठंड पा। कुछ नहीं हुआ है, सही बोल रहे हैं ना वो, अब लड़कियां भी पढ़ती है ना स्कूल में, तो फिर अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो अजीब तो लगेगा ना। हाँ लेकिन तू है ना, तू किसको परेशान करेगा, तू तो बहुत। लड़की के बाप को थोड़ी ना पता दीदी, तू शांत हो जा, कोई बात नहीं, अगर मुझे अंदर जाने से मना कर दिया क्या हो गया, तो यहीं बाहर बैठ जाऊंगा, कितनी दुकानें हैं यहाँ पे, बाहर किसी चाय वाले के साथ दोस्ती कर लूंगा और यहीं पे बैठा रहा करूंगा, तो ध्यान तो यहाँ से भी रख सकता हूँ ना मैं। तू फिक्र ना कर, मन्नू मेरे साथ ही घर वापस आएगा। देखो सिमरन भी स्कूल में पढ़ती है ना, अब कोई बाहर का लड़का आके यहाँ पे सारा दिन बैठा रहेगा तो हमें अजीब लगेगा, लगेगा ना। हाँ। इसीलिए बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार ये गोटी बैठ जाए फिर तो अपनी होनी है बल्ले बल्ले, है जी। अरे गोटी तो जमेगी ना, इसका मामा बीरू क्लास के आगे तो बैठता नहीं, बेचारे को बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। अपनी क्लास से गेट तक तमन्ना ने अकेले जाना ना, तू देख गेम तो पूरी पलट जानी है उतनी देर में। हाय मैं तो कह रही हूँ जी, अब ना सब अच्छा ही अच्छा होगा, जे हैगा ना मेरे पेट में, ये बड़ा लकी है हमारे लिए, देखना इसकी किस्मत से ना आपने शाप बनी जाना है। अब बस मेरी सोनी है, ऐस करके मैंने अपने शेर दा नाम रख देना है लकी। पुत्र सुन पुत्र, मैं ना बहुत दूर से आई हूँ और रस्ते च बहुत बीमार पै गई पुत्र, मेरे तो एक कदम भी नहीं चलिया जा रहा है, तू मेरा एक काम कर दे पुत्र, ए चिट्ठी है ना वो पोस्ट ऑफिस में डाल दे जाके। दादी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन मेरे मामा मुझको ढूंढेंगे, मैंने मिला तो परेशान हो जाएंगे। पुत्र एक मिनट लगना है सिर्फ आपको, देखो ना वो देखो सड़क जिथे खत्म होंदी है ना उदे पास में ही है बक्सा, उसमें डाल देना, जा मेरे लाल कर दे। कोई टाइम नहीं लगना पुत्र, कोई टाइम नहीं लगना, आप इतनी बीमार हो इसलिए मदद कर रहा हूँ। हाँ पुत्र खुश रह, खुश रह पुत्र।